आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, क्वेश्चन नंबर। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था, मगर मेरे सवाल पूछने का आज कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो मेरे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है आज। धन्यवाद। नमस्कार, क्वेश्चन नंबर। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था, मगर मेरे सवाल पूछने का आज कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो मेरे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है आज। धन्यवाद। भाजपा व अजीत पवार ने मिलकर दुर्योधन व शकुनी की तरह महाराष्ट्र के जनादेश का चीरहरण कर दिया। यह महाराष्ट्र की जनता से विश्वासघात नहीं तो क्या है? वादा तो था, भाजपा का वादा तो था, फडणवीस जी का वादा तो था, 72,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम में अजीत दादा को आर्थर रोड जेल भेजने का, पर चुनाव के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बना मंत्रालय भेज दिया। ये केवल मोदी है तो ही मुमकिन हो सकता है।